हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज मेरे मेरे दोस्त के घर आया हुआ हूँ। इसके पास ये पॉल ऑडियो का सब वूफर है, जो एम्पलीफाइड सब वूफर है, जो मैं पीछे से दिखाता हूँ आपको। इस तरह से ये पूरा बनाया हुआ है। उसका पावर पता नहीं कितने वाट का है। पूरा पीछे एम्पलीफायर लगाया हुआ है और ये इस तरह से है। अभी स्टैंड बाय मोड पर है, तो ये इस तरह से ये पूरा एम्पलीफायर है। लाइन इन का सुविधा दिया हुआ है, चार और चार स्पीकर नीचे लगाने के लिए है। ये पॉल कोडियो बहुत फेमस फेमस है और उसके अंदर ये उसके आगे का कवर भी खोल के आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके अंदर ये देखो 8 इंच का सब वूफर लगाया हुआ है, 8 इंच का, और नीचे से उसका ये दिया हुआ है। और बहुत हैवी, ये बहुत हैवी, 18 mm से भी ज़्यादा लगता है। ये देखते हैं, या नहीं, जाड़ा नहीं है ये। यहाँ से ये लगता है कि 12 mm का प्लाईवुड से नो बनाया हुआ है। प्लाईवुड नहीं है, लेकिन वो MDF से बनाया हुआ है। आगे ये फ्रेम लगा दिया है, उसके हिसाब से बहुत आगे का उसका टिकनेस बहुत लग रहा है। और यहाँ से ये पूरा गैप दिया हुआ है। तो दोस्तों, उसका मैं साउंड भी आपको सुना देता हूँ। ये पूरा 5.1 के लिए ये पूरा सेटअप किया हुआ है एम्पलीफायर। उसका बराबर चलता नहीं, ये सेंटर स्पीकर के लिए लगाया हुआ है पॉल कोडियो का। ये फ्रंट स्पीकर है, यहाँ कोने में लगाया हुआ है फ्रंट स्पीकर। ये दूसरा फ्रंट स्पीकर है, वो कोने में लगाया हुआ है। ये सराउंड लेफ्ट स्पीकर राइट स्पीकर लगाया हुआ है कोने में। ये राइट लेफ्ट कोने में सराउंड राइट स्पीकर लगाया हुआ है। और ये सब ऊपर है जो अंदर पड़ा रहता है। इस तरह से ये पूरा बहुत अच्छा बेडरूम में उसने बनाया हुआ है। और ये सोनी का टीवी के साथ ये सारा चलता है। और उसके पास ये ब्लू रे का, सोनी का ब्लू रे का DVD प्लेयर है, इतना बड़ा है। तो इस तरह से है दोस्तों। और उसने पूरा वायर, यहाँ से सारे वायर उसने निकाले हुए हैं। और ये सारे वायर इस तरह से ये लगाए हुए हैं, जो उसने सारे पाइप के अंदर लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं, पूरे पाइप से लगाए हुए हैं। ये सारा कनेक्शन इस तरह से बनाया हुआ है। ये ओंकियो कंपनी का एम्पलीफायर है, जो बिगड़ गया है, चलता नहीं है, शट डाउन हो जाता है। उससे ये पूरा 5.1 सिस्टम चलता है। और उसके अंदर एक चैनल का 60 वॉट आउटपुट है, ऐसे पांच है, 300 वॉट का ये है, जिसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जो उसके साथ में अटैच कर दूंगा। तो इस तरह से ये पूरा सराउंड सिस्टम वाला घर है। तो दोस्तों, मैं उसका साउंड भी आपको सुना देता हूँ कैसा बजता है। अभी दो रियर के स्पीकर और इस सब ऊपर बजेगा। कंट्रोलर है।
तो इस तरह से ये पूरा वीडियो था, बहुत अच्छा बनाया हुआ है दोस्तों। ये कोई रेगुलर नहीं है, पॉडकोडियो नंबर वन है और सारा मटेरियल ओरिजिनल है उसके अंदर दोस्तों। तो मैं उसका डायमेंशन भी आपको दिखा देता हूँ कितना है। तो दोस्तों ये इसका यहाँ से वाइड है, यहाँ से वाइड है 11 इंच है, यहाँ से एग्जैक्टली 11 इंच आप देख सकते हो, यहाँ से 11 इंच है उसकी पौलाई। उसका डीप है करीबन 12 इंच है उसका डीप, यहाँ से जो डीप है उसका 12 इंच है, देख लो 12 इंच उसका डीप है। और उसका जो हाइट है उसका 16 इंच उसका हाइट है इस तरह से दोस्तों। उसका जो डीप है यहाँ से 10 इंच है, 10 इंच का उसका अंदर का डीप लगाया हुआ है और उस पर कार्डबोर्ड लगाया हुआ है ऐसे। और यहाँ से 1 इंच है अंदर से, ये 10 इंच डीप में लगाया हुआ है। और तो इस तरह से पूरा मेजरमेंट है दोस्तों, मैंने पूरा आपको बता दिया। अगर बनाना चाहते हैं तो इस तरह से ये पूरा बन जाएगा। तो दोस्तों यही वीडियो था, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।